नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं बीजेपी से चुनावी चुनौती के बीच। अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि ये जंग आसान नहीं। आज गोकुलपुरी में रोड शो में केजरीवाल ने सीधे बीजेपी को जवाब दिया, कहा 200 सांसद 70 मंत्रियों की सेना मेरे खिलाफ, मुझे हराने के लिए तैनात। वैसे केजरीवाल को अपने लिए अपने किए काम बिजली पानी को लेकर उम्मीद है इस बार दिल्ली की जनता उन्हें चुनेगी, लेकिन दिल्ली वाले अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी पर जबरदस्त हमला अरविंद केजरीवाल ने किया, सुनिए। सारे जने इकट्ठे हो गए हमारे दिल्ली वालों के खिलाफ। ये सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, पता नहीं कहां कहां से पार्टियां, या पूरे देश की सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई। क्यों इकट्ठी हो गई? दिल्ली वालों को हराने के लिए आए हैं आप ये लोग। आपके बेटे को हराने के लिए आए ये लोग। और दोस्तों, अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ये अपने 200 एमपी लेके आएंगे दिल्ली वालों के पास, 200 एमपी लेके आएंगे, 70 मंत्री, केंद्रीय मंत्री, 70 केंद्रीय मंत्री लेके आएंगे। इनके भाजपा के 11 मुख्यमंत्री आएंगे। बड़े बड़े धुरंधर लेके आ रहे हैं बीजेपी वाले। दिल्ली वालों ने तो इनका साथ दिया नहीं, अब ये सारे बाहर से लेके आ रहे हैं, 200 एमपी लेके आ रहे हैं, 70 मंत्री लेके आ रहे हैं, 11 मुख्यमंत्री आ रहे हैं इनके। क्यों आ रहे हैं जी? आपको हराने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली वालों को हराने के लिए आ रहे हैं, आपके 5 साल के काम को हराने के लिए आ रहे हैं, आपके बेटे केजरीवाल को हराने के लिए आ रहे हैं ये सारे। ये हम सब लोगों का अपमान करने के लिए आ रहे हैं। अभी आएंगे और कहेंगे तुम्हारे स्कूल खराब हैं, ये आएंगे कहेंगे तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक खराब है, तुम्हारी बिजली खराब है, तुम्हारा पानी खराब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चुप रहोगे तुम लोग? दिल्ली वाले अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे?